नमस्कार राम राम खमागणी, मैं हूं मुकेश कुमार और आप रो एक बार फिर से स्वागत करूं मारवाड़ी पढ़ाई चैनल माते। आज 1 अक्टूबर ने आरएस प्री रो पेपर हुयो, आप रो पेपर किया हुयो। आज ने इस सेशन में मैंने आप आरएस प्री रो पेपर भी आंसर की निकाला ला या फिर आंसर की निकालने की कोशिश करा ला, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे कल आया है बिना कई कई आंसर हो सके है। हालांकि है कि दो एक क्वेश्चन में हो सके कि डिलीट भी हो, पर धीरे धीरे रहो जब भी आंसर अपन करें आप आंसर देखा आप रख कितना क्वेश्चन सही है कमेंट कर जरूर बताइए। कहीं आपने 60 प्लस बन गया है या 70 प्लस बन गया है, 90 प्लस या एडा कौन कौन है जो 110 प्लस बन गया है, तो कमेंट कर जरूर बताइए। तो देखो पहला क्वेश्चन है आज रो, पहला क्वेश्चन का क्या है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किन जोड़े वो आपने बताना है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है इंफाल को अहमदाबाद से या दीमापुर को वडोदरा से, सिलचर को पोरबंदर से या गुवाहाटी को कांडला से। कहीं हो गया आपका आंसर, मेरा आंसर है सिलचर को पोरबंदर से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का क्या है, गलत युग्म का चयन कीजिए, संतूर मध्य अरावली कटड़ा है, दक्षिणी अरावली दूर मरिया जी है, मध्य अरावली या मोहरपुर उत्तर अरावली। कहीं हो मेरा आंसर, आपका ही क्रिया हो ईरो आंसर, कहीं क्रिया हो आप ईरो आंसर हो सतूर मध्य अरावली। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जिले का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है, आपने बताना है। कहीं आंसर हुई ईरो आंसर हुई पहलो भरतपुर राजसमंद और जालौर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी तीन नदियां के संगम में त्रिवेणी कहे जावे है, बनास मेनाल बेड़च गंभीरी मानसी धोंद कोठारी खारी या बेड़च या सोम आहू बांडी। आपका आंसर कहे जावे तो कमेंट कर जरूर बताइए सर, आपका कहीं आंसर हो ये तो आंसर है बनास मेनाल और बेड़च। अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16.654 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत है, आपने बताना है। तो ये आंसर है सही आंसर है 4.87%। जल्दी जल्दी आंसर भी देख लो, फिर मैं आंसर की टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर देता हूं, मारवाड़ी पढ़ाई नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप बैठे ही मैंने फॉलो कर लीजिए सर। मेरे अलावा मारवाड़ी पढ़ाई फेसबुक इंस्टाग्राम और इसके अलावा भी मारवाड़ी पढ़ाई का ट्विटर हैंडल वगैरह है, तो ट्विटर माते भी आप मैंने फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में बॉक्साइट और अबरक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश झारखंड राजस्थान। कहीं हुई आंसर, कहीं क्रिया हो बच्चा जिसमें ज्यादा कंफ्यूज है झारखंड राजस्थान और ओडिशा आंध्र प्रदेश से। मैंने लगभग मेरा आंसर हुई आंसर का ये सही आंसर हुई ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ, चुकंदर मत आधारित प्रथम चीनी उद्योग कौन सी जगह, कौन सी जगह गंगानगर भोपाल सागर कैसे पटन या उदयपुर। कहीं आंसर है आपका ही क्रिया हो, आपका ही क्रिया हो मैंने ये आंसर हो जाए ये आंसर है गंगानगर, बिल्कुल ठीक है ये आंसर गंगानगर है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देख जो अगला क्वेश्चन का ही है, अगला क्वेश्चन का ही है, अगला क्वेश्चन कह रहा है माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उपक्रम है, तो देखो चारों ही हाईलाइट पीरियड है, आपने बताओ ये जो सही आंसर का ही हुई राजस्थान पंजाब गुजरात या गुजरात राजस्थान, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश राजस्थान। कहीं आंसर हुई माही बजाज सागर एकदम आसान एकदम हरियो सवाल है, तो माही बजाज सागर जो परियोजना है वो किलो के जो संयुक्त उपक्रम है या संयुक्त उद्यम है वो संयुक्त उद्यम ऐसा गुजरात और राजस्थान 55-45 अगर आपने याद है तो 55-45 रेशियो है, भी अनुपात रमानी साझेदारी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में 2001-2011 के मध्य न्यूनतम 10 की एसएलसी की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो ये आंसर हो जाए गंगानगर। अगला दसवां क्वेश्चन है राजस्थान में कालाकोट नीलवानी नादिया तिम्मा मोरी खनिज कौन खनिज उत्पादक क्षेत्र है, मतलब आणव उत्पादक क्षेत्र है, कहीं कहीं है यार किस खनिज उत्पादक है, तो ऐसे का क्षेत्र है वह लोएस्क मैग्नीज है, बताओ बिल्कुल लोएस्क क्या हो गई लोएस्क, नहीं नहीं हीरो आंसर हुई मैग्नीज। अगला देखो, अगला क्वेश्चन का ये काली सिंध, 11 क्वेश्चन देखो, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है कौन सी जगह है, बच्चे ने ध्यान लेगी झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो एकदम इजी एकदम जमाई एकदम कह रहे तो एकदम हलो सवाल है एकदम इजी है, कहीं है शेरगढ़ बूंदी लिखी हुआ है शाम 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 एकदम दिख रहे हैं साफ साफ शेरगढ़ है 12 में है। ठीक है लसी चित्तौड़गढ़ से ये है रामसागर वन विहार धौलपुर है, सीता माता अपने ध्यान प्रताप बढ़े। अगला देखो, माही कंचन और
आरसीबी 911 शंकर किस्म है, अकालिकारी शंकर किस्म है, आपने बताना है मकेरी जोरी या फिर मकेरी चावलरी, मकेरी बाजरेरी या बाजरेरी और मकेरी, तो ये आंसर है तीसरो, मकेरी और बाजरेरी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन था ये है भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 में हुआ। ये अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का राष्ट्रपति पद माते विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। कई हुए हो इरो, हालांकि पहले और दूसरे दोनों से ये देर भी बड़ी कंफ्यूजन बिता दिया। क्यों? क्योंकि जो 1952 आप बताने की कोशिश करिए या कमेंट मैंने कर लिया हो कि 1952, तो 1952 में तो ये राष्ट्रपति बनया है, जबकि ये निर्णय हुई है 1950 के महीने के भाई ये राष्ट्रपति बने था। अगला क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन है भारत रे संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई, छठी, दसवीं, नवी और सातवीं। तो ये आंसर हो जैसे नवी। अगला क्वेश्चन देखो, मेनका गांधी वाद 1978 रे उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 रे न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पैथन पाए। ये त्रुटिपूर्ण कथन यह बार याचिकाकर्ता पर है कि वे यह सिद्ध करे कि जो कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन के दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है स्वेच्छाचारी है। और उसी नहीं आंसर हुई सेकंड, सेकंड आंसर का यहाँ पर पूछ रहे तो त्रुटिपूर्ण देखना, त्रुटिपूर्ण हुई सेकंड, सेकंड उत्तर के लिए सेकंड ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थ है, जबकि अमेरिका हुई जापान हुई। अगला क्वेश्चन देखो, मतबंधी की होली कटे एकदम बच्चे नहीं फोटो को छोटो बच्चों बाहर जाओ नहीं घरे बारे पहले तो भी नहीं आपको दीजो के बिरा अड़िया वो आवे जो दिन की जो नतबंधी की घरे मेरे कोई बता नहीं था कि नतबंधी की घरे में नतबंधी रहे सर जैसलमेर में, ठीक है बिल्कुल सही है जैसलमेर में रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कहीं क्रिया कमेंट कर बताइए। अगला 18 क्वेश्चन देखो, कमेंट कर बताइए कहीं क्रिया आप क्या आंसर है, अगले क्वेश्चन में क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन पहचानो का हुई। तीसरा आंसर हो जीरो, वर्तमान में राज्य संघ क्षेत्र में 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, 8 बनी हुए वर्तमान में 4। अगला देखो, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और जो कथन सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है दोबारा, पहले कथन सही नहीं है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए हैं, 27 को नहीं इनकी वजह से 28, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखो, सूची पी एक निर्देशित प्रदेश सूची पी ने सूची आर में डाउन है कई और आंसर, तो ये आंसर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है 2 1 3 4 और आंसर जैसे। अगला क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो कहीं क्रिया आप आंसर देखो 21 नंबर आंसर कहीं क्रिया हो, सूचना और अधिकार अधिनियम निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां संबंधित को नहीं, किसी को नहीं क्या बताओ 25, 19 या 18, 12 कौन सी संबंधित को नहीं, कौन सी को नहीं बताओ कमेंट करो। हाँ बिल्कुल शाबाश कमेंट करो कहीं आंसर हो, इरो कहीं आंसर हो कमेंट कर बताइए सर, इरो 12 आप कहीं क्रिया हो कमेंट कर दो, कमेंट जरूर कर दो आप कहीं क्रिया हो। अगला क्वेश्चन देखो 22 नंबर का ही है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने अंतर राज्य परिषद रे स्थान वाते अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा करी है, वो है सरकारी आयोग। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो कहीं हो मेरे आंसर, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1919 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया, कैसे गया। अगला देखो कहिए, 1919 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है, बिल्कुल पहला और दूसरा दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, सूची पी ने सूची आर विलोम देख जो कही है और क्वेश्चन में जो भी पीडीएफ है आप पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल में दे दें अपलोड कर दें बैठे तो बैठे सो आप डाउनलोड कर दीजिए सर। देखो ये उत्तर हुई विकल्प 1 1 3 4 2 1 3 4 2, ठीक है। केंद्रीय नियुक्ति है सीए जी, लेकिन नियुक्ति है बाहर जैसी अनुच्छेद 148 से मैंने सीए जी का कर्तव्य है 82 150 से मैंने और संघ खाता जो प्रपत्र है वो है अनुच्छेद 150 और ऑडिट रिपोर्ट आई 151 मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में मुख्यमंत्री से संबंधित कौन है, मुख्यमंत्री संबंधित किसो कौन है, तो इन उत्तर दे तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन का बरकतुल्लाह ने कहा सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहा और गलत हो जैसी संबंधित कौन है। अगला देखो, राजस्थानी मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है 12 है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 2022 से राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य रो मत मूल्य कितना हो, मत मूल्य कितना हो भाई 129, बिल्कुल सही आपने क्रिया।
क्योंकि काफी बच्चा है मैंने 132 से 116 में कंफ्यूज है, 129 सही आंसर है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न कोई न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श से उपरांत करे किन ऑप्शन चार का क्या भारत रे मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान रा राज्यपाल। अगला देखो 29 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपयोगी सिफारिश वाले राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर और राज्यपाल की व्यवस्था करी गई। बिल्कुल सही है, राज्य पुनर्गठन आयोग एकदम इजी है। अगला क्वेश्चन देखो 30 नंबर क्वेश्चन का क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। कौन सा कौन है भाई? राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आंसर सही है ऑप्शन। अगले देखो 31 नंबर क्वेश्चन देखो कौन से संविधान कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक ने ग्राम विकास अधिकारी प्रस्तावित किए गए हो। आपने सामने की बात है 2021 में ग्राम सेवक का पेपर हुआ, पेपर में निकाल के हुए पेपर बताया गया कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2021 मतलब संशोधन अधिनियम 2021 में पेपर मैंने ग्राम सेवक ने कहा बोला ग्राम विकास अधिकारी। ठीक है, अगले देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मैंने पहले और दूसरे दोनों ही सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान राज्यपाल द्वारा नियुक्त हुए और आयोग के अध्यक्ष या अन्य कोई सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर हटाया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तहसीलदार नियुक्ति होवे है, आप बताओ तहसीलदार नियुक्ति किन द्वारा होवे? सब लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग यानी आरएसएम एसएसबी द्वारा, या राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा, या राजस्व मंडल द्वारा? बताओ भाई कौन करे तहसीलदारी नियुक्ति? बताओ सर तहसीलदारी नियुक्ति कौन करे? कमेंट करो तहसीलदारी नियुक्ति कौन करे। ठीक है, आंसर बताओ। बिल्कुल ठीक है, राजस्व मंडल। कौन कौन राजस्व मंडल करिया? ईमानदारी बताया विधि ऋषभ को राजस्व मंडल करिया। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, ठीक है सही है। अब देखो अब लोग आइए 34 नंबर क्वेश्चन का क्या है 2014 में नरपतमल लोडारी अध्यक्षता में गठित समिति निम्न विषयों कौन से विषय में संबंधित है? तो उसी लोकायुक्त। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन मत विचार करो। कई कथन पहला और दूसरा दोनों ही सही है, यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इन्हें गठन हुआ और राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान प्रधानत्व में इन एक सदस्य आयोग है। ठीक है, अगला देखो 36 नंबर क्वेश्चन का क्या है अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना कौन से शहर में किए जाने स्वीकृत किया गया है? तो जैसे जोधपुर में मैंने कटे आईआईटी जोधपुर में मैंने। ठीक है, आईआईटी जोधपुर को नहीं हो तो मजाक की बात है, आईआईटी जोधपुर में बोली और जोधपुर में मैंने स्वीकृत हुई है किस जगह। ठीक है, अगला देखो कहिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना का संबंध इन नारी से है कि कोई भी भूखा ना सोए? देखो आ कही है कि हर आदमी ने ठाया है कि कोई भी भूखा ना सोए, अकटे रहे वो है इंद्र रसोई नारो। इंद्र रसोई नारा है कि कोई भी भूखा ना सोए, जैसे 8 लीटर मैंने थाली मिले। अगला देखो भाई है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन मत विचार करो। काय हो रही है? केवल दो सही है, केवल दो यानी कई है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है वो सही है। ठीक है, जबकि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार एक सदस्य और चार एक अध्यक्ष और चार सदस्य है। एक अध्यक्ष चार सदस्य को नहीं, एक अध्यक्ष है और दो सदस्य है। ठीक है, अगला देखो 39 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र ने दर्शाया है? तो ये उत्तर दे ऑप्शन चार, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई उधार और विदेशी उधार। अगला देखो 40 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है? ना ध्यान है किसी को नहीं, कारा को नहीं, सरकारी प्रशासन है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, सड़क है, कारा कौन है? ठीक है, 3 नंबर कारा, आंसर 0। अगला देखो मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दो, काई होगी मैंने इन उत्तर भी ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। अगला देखो 42 नंबर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने कहा केवल एक सही है, यानी देखो शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों का 125 दिवसों का प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी, आज ये सही है। जबकि 30 को नहीं मिला, ये मैंने 15 दिन हुई पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिन। अगला देखो अगला का 43 नंबर का ही क्रिया हो आप
कमेंट में जरूर बताइए तैयार से मैं क्या हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक शाख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है, सही नहीं आया बताना, तो किस उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, बाकी उदार सीमा गुणात्मक में आवेला शास्त्रीय गुणात्मक में आए नैतिक दवा गुणात्मक में और अनुतरित है वो तो उत्तर है कौन, तो बाकी तीन अधिक गुणात्मक में और एक सरकारी प्रतिभूतियां जो अधिक बात रखे हुए हैं। अगर देखोगा औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत वैक्सीन निर्माण में विश्व उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, वो सही कौन है क्यों, क्योंकि ये 60% हिस्सेदारी रखी। अगला देखो वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम में थे, कौन से क्रम में थे, वो है 126 नंबर में थे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में 46 क्वेश्चन देखो ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 83 नंबर ऑप्शन यानी वर्ष 2021 महीने भारत यात्री कारों का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा निर्माता है, नहीं चौथा कौन बनिया हो कि तो बनिया तीसरो सबसे बड़ा निर्माता बन चुके हो। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो 47 में उत्तर का ही हुई 47 में दो नंबर उत्तर हो जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो ब्याज दर कौन है। अगला देखो 48 नंबर क्वेश्चन देखो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमान के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत रे सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत भाग राजस्थान है सकल राज्य घरेलू उत्पाद रे होने का अनुमान है, तो उत्तर 5.18%। अगले 49 नंबर क्वेश्चन देखो अटल भरण राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए और बी दोनों सही है, यानी अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं। दूसरा विकल्प है इन योजना का फोकस भूजल प्रबंधन और सुधार भूजल प्रबंधन में सुधार करना सुधार करना और इन अलावा गिरते जल स्तर में रोकना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर का ही है 50 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, तो सही नहीं है, तो इसको कोई पहले उद्देश्य सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 15 करोड़ है कौन, क्योंकि लास्ट 10 करोड़ की सीमा है, 15 करोड़ अगर गलत हुई। इन बात में देखो 51 नंबर क्वेश्चन का क्या है 2022-23 में राजस्थान सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, तथा यदि मैंने व्यापार होटल और जल पान ग्रह है, ठीक है। अगला देखो 52 नंबर क्वेश्चन है गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA ये मैंने बता रहा है कि कौन से क्षेत्र में योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है, सर्वाधिक वृद्धि कौन से मैंने सेवा क्षेत्र में, यानी तो सरल सेवा क्षेत्र का ही दौड़ रहा है, ठीक है। अगला देखो 53 नंबर का ही है 53 नंबर आप बताइए कमेंट कर काई क्रिया, हालांकि उत्तर तो विश्व बैंक है, आप काई क्रिया हो कमेंट कर जरूर बताइए, आप भी विश्व बैंक क्रिया हो कहीं कौन कौन विश्व बैंक क्रिया है कमेंट कर जरूर बताओ, कमेंट कर दो सर विश्व बैंक कौन कौन क्रिया है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई की 11 राजमार्ग का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, कौन से द्वारा है भाई विश्व बैंक द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 54 नंबर राजस्थान में कौन सी एजेंसी ने पीएम कुसुम योजना क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिक्र मैंने 0.5 मेगावाट 2 मेगावाट की क्षमता तक का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जावे है, कुछ है और जैसे अपने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तर आप दो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर आपका ही क्रिया हो, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जावे है, कब मनाया जावे 14 दिसंबर 5 जून 22 अप्रैल 21 मार्च 21 मार्च में है कहीं 21 मार्च क्रिया हो गई आप कौन करिए, तो फिर क्या करिए कमेंट बॉक्स में बताओ कमेंट कर दो सर इरोतर जैसे 14 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखो 56 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया है बताओ, कद करिया 2005 में मैंने करिया। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए सर निम्नलिखित में से कौन सी योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं तथा शिशु वाले जगह 0-6 माह तक रहे वाले स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार करने का गर्भावस्था सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियां देख रेख और सेवा के उपयोग में बढ़ावा दे रहे हैं कौन उद्देश्य प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बिल्कुल आ उद्देश्य, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना बनी रहे क्योंकि 0-3 बताओ है। अगला देखो अगला भाई देसी इनमें 58 नंबर क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बता रहे हैं, सेकंड नंबर आंसर सही उद्देश्य
लेकिन हमारे दूसरे विकल्प सही होगी मासिक धर्म और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्वापक पीड़ाहारी औषध है, कौन सा है मार्फिन औषधि। अगला देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ठीक किया जा सके है, तो निकट दृष्टि दोष और दूर दोष से दोष। अब देखिए सर, दूर दूर में बड़ी ऊर्जा मात्रा आवे, दूर में बड़ी ऊर्जा मात्रा आवे तो उत्तल है, दूर उत्तल, उत्तल में ऊ आवे, ठीक है। तो इस आंसर आ जैसे तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और दूर दृष्टि में दू बोले तो ऊ उत्तल, उत्तल है। तीसरा उत्तर जीरो। अगला देखो, 61 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और भौतिक रूप में टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है, कौन सी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन है मिशन योजना, ठीक है। आओ जैसे अगला देखो, 62 नंबर क्वेश्चन का है, 62 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे पहले और सबसे छोटी इकाई से शुरू करके। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम जमाई बच्चा क्वेश्चन आएगी, कर सको एकदम करो, बताओ मैं कमेंट कर बताइए सका ये, कमेंट कर बताइए। पांच और बच्चे बता देंगे मैं तो, कहीं पहले कहीं आई, बाद में कहीं आई, देखो एफ बी ए सी ई डी सही है कि आप सर्व पहले आई, बीट बीट के बाद में जी, बाइट बाइट के बाद में आई, किलो बाइट किलो बाइट के बाद में आ जैसी, मेगाबाइट मेगाबाइट के बाद में ना जी, गीगाबाइट और लास्ट में आ जैसी टेराबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 63 नंबर क्वेश्चन देखो, 23 अगस्त 2023 ने एलसीए यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस जो अस्त्र है मिसाइल का सफल परीक्षण किया हुआ है। अस्त्र देखो, अस्त्र क्या कहते हैं, आपने खुद ने ध्यान है, अस्त्र मतलब सीधे दिया छोटे टावर में बचपन में भट्टो बनता भी हिसाब मायने, तो की अभी हवा हवा मैंने वार करेगा और हवा हवा वार करेगा अभी बाद में किस दी, सेकंड नंबर विकल्प सही दी, दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल। अब देखो, 64 नंबर क्वेश्चन, श्री हरिकोटा क्वेश्चन देखो कहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि अन्य दो विमाएं वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है, तो क्या कहलाई या कहलाई क्वांटम वेव। अगला क्वेश्चन देखो, फिर एकदम आसान क्वेश्चन आएगी, और निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रारूप वीडियो फाइल के रूप में मान्य नहीं है, तो वीडियो फाइल किसको बोलनी, MP3 MP4 MOV या AVI। MP3 वीडियो नहीं, MP3 वीडियो है नहीं, MP3 ऑडियो है, इसका राइट आंसर आ जैसी MP3। अगला क्वेश्चन देखो, 67 नंबर, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, काई हुई प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन, तीसरा नंबर ऑप्शन है वो गलत कथन हो जी, कि हमारे शरीर में वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, आ गलत चीज है, बाकी तीनों का जगह ऑप्शन है वे सही वाला। अगला देखो, 68 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समूहजन डेंगू वायरल जीवाणुजनित रोग को बैक्टीरियल को डेंगू जैसी वायरल। अगला देखो, कहीं प्लाज्मोनियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बने किसी है, वह है फाल्सिपरम। अगला क्वेश्चन है, 71 नंबर क्वेश्चन देखो, MTU मापने की इकाई है, काई है काई मापने की इकाई है, आओ जैसी जनरी अभिलक्ता यानी डेबिटिटी। अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखो, निम्नलिखित में से प्रदूषण जगह में नहीं उगता, कौन कौन उगे, लाइकेन कौन उगे प्रदूषण जगह, क्योंकि लाइकेन है सही जगह अच्छी स्वच्छ जगह में होगी। अगला देखो, राजीव गांधी जीव प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सी जगह है, तिरुवनंतपुरम में है। 74 नंबर क्वेश्चन देखो, 74 नंबर क्वेश्चन देख जैसा कमेंट कर बताइए आपका क्या 74 नंबर में आपका कहीं आंसर हो, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वर्षा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है कितना, देसी 40, 50, 70 या 20। 70 हो तो भाई दिए सगा कहीं है, अमेजन वर्षा का अंदर नहीं ढूंढ गया, अभी शुद्ध हवा ले रहा हूँ, कट जावा अमेजन वर्षा का जावा शुद्ध हवा ले रहा हूँ कितना, देसी मैंने 20% उत्तर हुई आप लोग। अगला देखो, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, अरे यार तो छोटा टाबरा नहीं पूछ लो, कोई नहीं पूछ लो, लाइब्रेरी में बैठा कोई बच्चा पूछ लो कि हाँ भाई राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र की जगह है, हरे बच्चों बता देंगे निकाले रहे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न जो फसल है मतलब
मिलेट से फसल किसकी थी है? चौथा नंबर ऑप्शन आपको सही होगी ज्वार, कोदो, कागनी, रागी। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कौशल विकास करने का एक विकास करने के उद्देश्य की गई है। आईटी कौशल का किस वजह से? आर के सी एल, देखो आप आर के सी एल करो, आर के सी एल यानी राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला देखो का 78 नंबर क्वेश्चन देख दो, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कौन सी जगह स्थापित है? तो जैसे जोबनेर में। अगलो 79 नंबर क्वेश्चन देख लो, निम्न में से इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीनीकरण साधन माना जाता है? तो जीवाश्म ईंधन उत्तर हो जैसे। अगला देखो 80 नंबर क्वेश्चन देख लो, आप क्या क्रिया हुआ 80 नंबर क्वेश्चन में? एक कथन के पश्चात दो तरह की दौड़ है, आपने बताओ है दोनों तरह मैंने किस अधिक मजबूत है? क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? आप बताओ बदलना चाहिए कहीं। तो सेकंड नंबर है कि नहीं, भारत घरेलू आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी पर्याप्त बिजली उत्पादन नहीं करता। केवल एक जो तरह है वो मजबूत है, यानी चौथा नंबर ऑप्शन सही होगी। अब देख लो 81 नंबर क्वेश्चन का क्या है, फिर भाई आपने दो धारणा दौड़ी है, पूर्व धारणा दौड़ी है, फिर मैंने आपको बताना है कि काई ज्यादा मजबूत है काई सही है। तो पहले कथन का ही क्या है, पहले कथन क्या है कि खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, दूसरे क्या है आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। कई जैसे मैंने ये बार जैसे दोनों ही एक दूसरे में पूर्ण अंतर नहीं थे, दोनों पूर्ण धारणे अंतर नहीं थे। अगले देख जो कहीं है, अगला क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 देख लो आप कहीं है, फिर अपने कथन देवड़े दिए गए कथन अध्ययन करो, और फिर बाद में मैंने आपका यह है कि निश्चित तार्किक रूपों का यह सुझाव कार्यवाही यदि अनुसरण करती है किसी अनुसरण करे। देखो देखना मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है, मतलब मौसम विभाग पे है कि अगले साल में कम वर्षा होगी, अब एक अधिसूचना जारी करी है। अब कार्यवाही आप बताइए आपका ही कार्यवाही करोगा, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रबंध करना चाहिए, मतलब जगह प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने जल उपलब्ध करवाना चाहिए, या सेकंड नंबर संभावनाओं को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह दे दीजिए कि किसानों कह दो कि किसान भाई तैयार रहा कई वही मैंने इन दोनों ही एक और दोनों ही अनुसरण करता है, यानी जल को अपने का प्रबंध करना पड़े सरकार ने भी किसानों ने भी अपने अवगत कराना पड़ी, सरकार ने अवगत करा के पड़ी कि वर्षा कम होने वाली है तो भी हिसाब आप तैयार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो कहीं है, अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर आपने दो निष्कर्ष देवड़ा है, आपने निष्कर्ष बताओ लो कहीं है, कथन देवड़ा है कि पद ग्रहण करने के बाद में म्युनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है, क्यों भाई ये क्यों किया? निष्कर्ष एक कि नगर ए के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है, जनका आइटम वो झूठी चेप दी आज चीज है। अगले देखो कही है, आयुक्त इंदौर के कार्य इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में बेहद अच्छा अनुभव है, कहीं जैसे मैंने ये हुई ना तो एक और ना ही दो। अगले देख लो मैंने कहा अगला क्वेश्चन, अगला 84 नंबर क्वेश्चन देख लो, 84 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग क्वेश्चन है, वो बताओ किरे किरे सही हुआ है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन किरे किरे सही हुआ है, कमेंट कर बताइए सर किरे किरे सही हुआ है। निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा, सीरीज टाइप देवड़ी अगला क्रम का ही हुई बताओ नहीं, तो तीसरा ऑप्शन सही हुई, तीसरा ऑप्शन मैंने सही हुआ ना। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देवड़ा है, तो एक मैंने आपने एक कोडिंग रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आपने भाषा देवड़ी है, अभी मैंने कहीं हुई चौथा नंबर सही हो जाए। अगला देख लो कहीं हुई, अगला क्वेश्चन 86 नंबर देख लो, एक परिवार में 8 सदस्य है, फिर मैंने कहा उतराई उतराई जीजा और साढ़ा 3 नंबर उतरा वेला। अगला देखो क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन है, 5 लड़कियां एक मैदान में निश्चित दूरी में खड़ी है, फिर उत्तर कहीं आई इधर उत्तर मैंने कुछ बच्चा लिखा है 31 में, कुछ बच्चा 23 रुपए में कंफ्यूज है, तो देख जो कहीं उत्तर हुई 23 आंसर आपका है, 23 करिए 31 करिए कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कर जरूर बताइए कहीं करिए 31 या 23। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति लिखा है, एक लाइन मैंने खड़ा है या बैठा है, जी भी है पर 7 व्यक्ति है, तो फिर मैंने सब बीच में कौन है, मध्य मैंने बैठा है बी, बी आंसर आ रही है आपने बिल्कुल सही है। अगला देखो फटाफट में आप बिना टाइम लिया आंसर की बताऊ, अगला देखो कई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो, एक दर्पण माते बड़ा अक्षर वाले अंग्रेजी वर्ड वाला व्यंजन ने प्रतिबिंब अवलोकन किए जा रहे हैं और इनमें में प्रतिबिंब संख्या कितनी है, देखिए मूल आकृति ने समान ही दिखाई देवे, यानी वे कोई चेंजिंग नहीं है, किस है 11 ऐसा है देखा मूल आकृति समान है। अगला क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन, 64 छोटे घनों का घनों में से 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया जाता है और कितना छोटा घन कोई भी परिस्थिति में कौन दिखे, तो किसा क्या मतलब अपन कह सकता किसा ऐसा है जगह रंगहीन है, रंगहीन जगह तो कौन दिखे अंदर आना, तो
किशोरी 8 है। अगला देख जो सर, अगला का ही है 91 नंबर क्वेश्चन देख जो। एक विद्यालय में 3 विद्यार्थी ए बी सी जबकि एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 में नगद पुरस्कार प्राप्त करे हैं और वीरवाद मैंने विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी ने 4,000 रुपए देवे हैं। पुरस्कार का अनुपात है 5:6:7। तो आपने बताना है कि बी प्रतिस्पर्धा मैंने कितनी राशि जीते हैं यानी बी ने कितने रुपए मिले हैं। तो उत्तर पहला विकल्प का ही 12,000 रुपया। अगला देख जो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 गुणा कर दिया, गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, विद्यार्थी नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करते तो सवाल ही बन दो। तो फिर बाद में क्या हुई, कई देर मैंने गणना में कितना परसेंट त्रुटि है, कितनी गलती करी, वो कड़ी मोटी गलती करी, माफ करने नहीं करी, फिर भी बताओ थे कितना परसेंट गलती कर दी। वह गलती कर दी 64%। अगला क्वेश्चन देखो 93 नंबर का क्वेश्चन का जो है, 400 लड़का का एक समूह है। जैसे मैंने कुछ लड़का है, हर लड़का क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल में कम कम एक खेल तो खेली खेले है। अब 185 जगह है क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 है फुटबॉल खेल गया। ये क्वेश्चन आंसर का ही हुई, ये क्वेश्चन आंसर का ही हुई, पहला नंबर ऑप्शन हुई, क्वेश्चन आंसर हुई 20। यानी आपने 20 बताओ ना, 20 का ही है, 20 में दो लड़का है, दो 20 लड़का है जिसका तीनों खेल खेले, सगड़ा तीनों खेल खेले। अगला क्वेश्चन देखो 94 नंबर क्वेश्चन आंसर का ही जी चौथा विकल्प जी 8t/3√3s। अगला क्वेश्चन देखो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर यह है कि कठी कुछ स्टूडेंट कह दिया है कि सर माने पी है, कुछ क्यों कह दिया है, क्योंकि बेदावर सके कह दिया, तो हो सके क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा वापस देखने की जरूरत है। तो देख भी मैंने कही है, और अगर मैंने कही है पी है ये क्यों है, आप कहीं क्रिया हो मैंने उत्तर जरूर दीजिए, कमेंट कर बताइए। अगला क्वेश्चन देखो 96 नंबर क्वेश्चन का ही है, 96 नंबर क्वेश्चन मैंने विकल्प 4 सही उत्तर हुए, लगो 6 आंसर हो जाए 0 6 हुई। 97 नंबर क्वेश्चन का ही पूछे, 97 नंबर क्वेश्चन पूछे कि मूलधन कितना है, तो मूलधन हो जैसी 12,000 रुपया। अगला क्वेश्चन देख जो 98 नंबर क्वेश्चन देख जो, बताइए आप कई क्रिया हो 98 नंबर क्वेश्चन में, कई क्रिया हो, पांचों विकल्प क्रिया हो, कहीं कहीं पांचों विकल्प क्रिया हो। 98 नंबर क्वेश्चन का क्या है, चार संख्याओं के गुणनफल की गुणनफल में 5 अथवा 10 से विभाजित होने वाली प्रायिकता, प्रायिकता का दूसरा नंबर ऑप्शन 0 3/6/625। अभी देख लो 99 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है, कितना है भाई कमेंट कर बताइए, कितना है 44, 38, कितना 80, 56 तो भी मैंने ऑप्शन नहीं बनी, 56 ऑप्शन नहीं बनी, कहीं करिए आप कमेंट कर जरूर बताइए, आप कमेंट कर जरूर बताइए कहीं करिए आप। अगला क्वेश्चन देख लो 16 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कौन सी जगह हुई है, कट हुई है जोधपुर में भी कट है, IIT जोधपुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 101, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य दर्जा मिल जाए, किन्हें मिल जाए भाई, और मिल जाए धौलपुर करौली। अगला जो हाल ही में राजस्थान में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कट है, बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन 103 क्वेश्चन आंसर नंबर विकल्प 3 हो जैसी सही, विकल्प 3 सूत्र सही हो जैसी। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन का ही है 104 नंबर क्वेश्चन देख लो, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया है, उद्गम लॉन्च करिया है आपकी प्यारी RBI भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देख लो सर, 105 नंबर क्वेश्चन का ही कहे कि टाइम्स पत्रिका के अनुसार SS राजमौली ने 2023 में शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान ने 2023 में शीर्ष आइकन में नामित किया गया है। इसके अलावा दूसरा कथन का जो है टाइम्स पत्रिकारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियां विभाजित है, जिसमें मैंने लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर है, किस श्रेणी मैंने वही विकल्प एक, यानी कथन एक और दो दोनों ही सही है। 106 नंबर का के जो है 106 नंबर के वह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है, तो आपने वो पूछा है कि डेनिस फ्रांसिस कौन से देश में है, वह त्रिनिदाद और टोबैगो जी, ठीक है। अगला देखो भाई 107 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च करी है, जबकि बताना कि यूरिया या नई किस्म कौन सी है, बताओ बताइए सर, आए यूरिया गोल्ड, आप कहीं के लिए हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन देख दो 108 नंबर क्वेश्चन का क्या है, 108 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के व्यवहार
व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए एआई फॉर फूड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में कौन से देश में आयोजित हुई बताओ। पूछते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका के लिए आप तो फिर स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से ही बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लो। 102 नंबर क्वेश्चन का के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति कौन से व्यक्तित्व ने राजस्थानी भाषा रे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 खातिर नामित किया गया है। कौन किन क्रिया देवीलाल माहिया ने किया है। अगला देखो 110 नंबर क्वेश्चन का है, भारत में पहले खुले संग्रहालय, पहले खुले संग्रहालय देखो है शहीदी पार्क, शहीदी पार्क कौन सी जगह है, इसका उद्घाटन किस शहर में हुआ, नई दिल्ली में। अगला देखो हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से कौन से जैव विविधता वाले क्षेत्र में जन्म संग्रह द्वारा तेल री ड्रिलिंग ने अस्वीकार कर दिया है। ऐतिहासिक निर्णय लिया गया किस जगह वो है यसुनि राष्ट्रीय पार्क में। अगला देखो मेरा गाँव मेरी धरोहर कौन से मंत्रालय से संबंधित है, वो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। 113 नंबर क्वेश्चन देख लो, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्नलिखित से कौन से शहर में आयोजित होगा, कौन से शहर में आयोजित होगा, पटना में हो, उदयपुर में हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 त्रिपदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो सातवां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन देख लो, 12 अगस्त 2023 ने भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच से हराया, यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया, बताइए क्या क्रिया हुआ, कमेंट जरूर कर दो, कमेंट कर दो क्या क्रिया हुआ। तो ये उत्तर उदयसिंह मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देख लो, 116 नंबर क्वेश्चन देखो, राजेश्वरी कुमारी क्या से संबंधित है, भाई है निशानेबाजी से संबंधित। 117 नंबर क्वेश्चन देख लो, भारत ने कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों में व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, कई जैसी उत्तर जैसे दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई, कौन सी जगह आयोजित हुई जैसे दक्षिण कोरिया में, कई आवाज सही आई है कि मेरी आवाज सही आई है कहीं बताइए जो, वीडियो वगैरह सही है कमेंट कर बताइए जो, सर आवाज और वीडियो दोनों सही है कहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख दो, अगला क्वेश्चन कहीं क्या है, अगला क्वेश्चन देख दो सर, अगला क्वेश्चन देख दो कहीं क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख दो, अगला क्वेश्चन कहीं के लिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सी ए भवानी देवी एशियन भवानी देवी कटे में की जगह है, भवानी देवी फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीती है, बिल्कुल ठीक है। वे सेमीफाइनल में किस देश से खिलाड़ी को हारी, किस देश से खिलाड़ी से हारी बताओ, उज्बेकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन का यह है, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है, क्या किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर। अगला क्वेश्चन देख लो, 120 नंबर, 120 एकदम जमा इजी क्वेश्चन है, आप कहीं क्रिया कमेंट कर, कमेंट भेज दो, कमेंट कर दो सर। अगला क्वेश्चन जो भाई निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन स्थल में उत्खनन में मांडव जनपद रही लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है, लोह सामग्री है देख लो, लोह सामग्री की याद आ गई, लोह सामग्री कटे है कि जगह रेड तो कहीं है भरतपुर प्राचीन टाटानगर। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो, 121 नंबर क्वेश्चन का ये, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जाने दिल्ली माते विजय प्राप्त कर और आपने साम्राज्य मैंने शामिल किया, कौन अभी विग्रहराज चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान कौन से प्रतिहार राजा ने शासन काल में भारत की यात्रा करी, क्या करी भाई, करी भोज प्रथम रेशम है, मिहिर भोज प्रथम रेशम है। अगला देख लो भाई, ये कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल भाविया कौन है, भावी है मांगीलाल भावी है भव्य अजय मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंडल आंदोलन संबंधित आता है, आज झलावाड़ू। अगला क्वेश्चन है, 124 नंबर क्वेश्चन का ये, मत्स्य संग्रह वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया, तो वृहद राजस्थान में मैंने देख लिया, मत्स्य संघ नाम सुनते तो आप 18 मार्च के लिए 18 अप्रैल के लिए गलत चीज है, ये बताओ है कि राजस्थान में मैंने वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया, तो कद उत्तर इरोजसी 15 मई 1949, ठीक है। और अभी कहते शंकर देव राय समिति की सिफारिश बात है। अगला क्वेश्चन देख दिया सका, ये एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत कौन से राजपूत ठिकाने में कामदार पद पर कार्यरत करता है, तो मोतीलाल तेजावत झाड़ोल में, झाड़ोल उदयपुर पुराना नागौर और सबनिया बीकानेर मुकाई समानता है। 126 नंबर क्वेश्चन में देख दो, अटकाई मिला है ताम्रपाषाण संस्कृति केंद्र, ठीक है ताम्रपाषाण संस्कृति केंद्र है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन देख दो, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर में कौन से महाराजा दरबारी चित्रकार है, तो एक नाम भड़क भूल गया है, किसको भूल गया, साहिब राम, तो मोहम्मद शाह और साहिब राम जगह है दरबारी है दरबारी चित्रकार सवाई जय सिंह रा। अगला क्वेश्चन देख लो, 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है,
कहीं क्रिया कमेंट कर जरूर दे दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो कहीं क्रिया इनमें आप 128 नंबर क्वेश्चन में कमेंट कर दो आपका उत्तर लिखा है। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कौन करे भाई बताओ, कौन करे अग्नि नृत्य? विष्णु संप्रदाय, रामश्री संप्रदाय, जश्नादी संप्रदाय या दादू पंथ? कौन करे? दादू पंथ करे भाई, दादू पंथ करे कहीं बताइए जैसा कौन करे। हाँ कमेंट कर बताइए, जश्नादी, जश्नादी सिद्ध बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर क्वेश्चन देख दो, कोले वाला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है, बताओ कितनी है? 18 भाषा है। अतुलदास खींची वचनी का लेखक कौन है, तो है शिवदास गार्डन, गार्डन का ही है, गार्डन है, चारण गोत्र है, तो अटकाई दे शिवदास चारण ही हो जाए उत्तर, शिवदास चारण। अगला क्वेश्चन देख दो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, गलत सुमेलित, सु को लिख दो गलत मेल नहीं थे, गलत मेल दियो, अब गलत का ही मिलियो, देखो देख दो का ही गलत मिलियो। रामदेव जी, रामदेव संबंधित है कहीं, संबंधित है घाटी में कौन नहीं संबंधित है, ठीक है। अगला देखो, मलिना जी गागरन, मलिना जी गागरन खत किया भी केर किया नहीं था ने, मलिना जी किया नहीं के गागरन जाएगी भाई ला, कौन किया नहीं? मलिना जी का ठहरा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बाड़मेर तो खैर अब देखो बाड़मेर बालोतरा अलग है, तो आपने आधे पढ़े हैं मलिना जी गागरन संबंधित कौन है, तो गागरन संबंधित कौन है? संत पीपा है, तो मैंने उत्तर कर दी विकल्प दो उत्तर दी। अगला देखो, चंद्रभागा मेरा, चंद्रभागा मेरा की जगह कार्तिक पूर्णिमा डाके का चंद्रभागा की जगह झालावाड़ में, झालापाटन में, ठीक है। अगला देखिए 133 नंबर क्वेश्चन का ये जो है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है, तो गिरिदुर्ग जो को जो पहाड़ बताते हो वो है गिरिदुर्ग, जालोर पहाड़ बताएगी, जालोर किलो ठीक है, सिवानर किलो पहाड़ बताएगी, चित्तौड़गढ़ पहाड़ बताएगी ठीक है। अब घाघरो दुर्ग, घाघरो दुर्ग तो वो है जो पहाड़ में है, जल दुर्ग है, यही धीरे तीन तरफ चार तरफ पानी है, तो कहा जी किशोर जी को घाघरो जल दुर्ग दी। अगला देख दो 134 नंबर क्वेश्चन का ही है, 134 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुर कोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति स्थल की खोज करी गई, कौन करी गई? जगपति जोशी करी है। अगला क्वेश्चन देखो 135 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रमावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया, तो किशोर जी वाकाटक जी। अगला क्वेश्चन 136 नंबर क्वेश्चन है, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है, तो शुभकालीन स्थापित है। दलित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की, तो बताओ कौन करी, एकदम इजी क्वेश्चन है, दलित विग्रहराज नाटक की कौन करी भाई रचना, ये करिए सोमदेव जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए, सकाई करिए आप पांच क्रिया हो गई, विकल्प विकल्प पांच क्रिया हो गई, नहीं नहीं विकल्प पांच तो कौन क्रिया, जो कई क्रिया हो कमेंट कर बताइए सर, जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए कई क्रिया हो। कृष्ण देव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है, कौन दी किन दी, वो है अलसानी पेड़ना, नाम देखो कितना अटपटो है, नाम याद करना पड़ी थाने, ठीक है था पड़ी। अगला देखो का ये, अगला 149 नंबर क्वेश्चन देखो, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत पर बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है, किसी है एक तो है जगह में बौद्ध स्थापत्य बता रहा है, कटे पंच में है। अगला देख दो 140 नंबर क्वेश्चन देख दो, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख कौन है, महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय, जयपुर, जयपुर वाला, ठीक है। उदयपुर वाला कौन है, महाराज प्रमुख है, ध्यान दो, उदयपुर वाला भीम सिंह जी कौन है, महाराज प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखो 141 नंबर क्वेश्चन का क्या है, 141 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की, कद करिए 1905 में। अगला क्वेश्चन देख दो 142 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, भी अधिवेशन में मैंने बताया है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित करने में मेरा अध्यक्ष कौन था, तो मेरा अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 143 नंबर, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित में से कौन सदस्य, तो सदस्य कौन अभी के एम पन्नीकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, के एम पन्नीकर है कहीं, के एम पन्नीकर लिखा हो गई, विकल्प देखिए पड़े गए, विकल्प देख दो, विकल्प कहीं है किस किस विकल्प देवड़ा है, इनमें विकल्प देवड़ा है, दो तीन और चार जो है वो सही हो जाए, यानी दो में कौन है, एक तो जस्टिस फजल लली और तीन नंबर में कौन है, के एम पन्नीकर, और चार नंबर कौन है, हरदेनाथ कुंजरू, ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन देख दो, अगला क्वेश्चन 144 नंबर, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में आपने जल गिरा हुए, एल्ब और राइन कट गिरा हुए उत्तरी सागर में, 145 नंबर क्वेश्चन देख दो, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत, कौन सा सूफी संप्रदाय और प्रसार मुख्यतः सिंध मुल्तान और पंजाब तक सीमित हो, कौन हो गई, पूरा दूर में नहीं करते देने, क्योंकि मैं सिलावर्ती और नक्शबंदी, आप कह गया नक्शबंदी, नक्शबंदी क्रिया हो गई, बताइए नक्शबंदी क्रिया हो गई, नक्शबंदी कौन क्रिया, ठीक है कहीं कर दे सिलावर्ती, सिलावर्ती बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख दो, अगला क्वेश्चन देख दो कहीं है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी किस किस महाद्वीप है जैसे मरुस्थलीकरण की समस्या
कम है किस यूरोप दी बाकी ऑस्ट्रेलिया में भाई देखो मरुस्थलीकरण की प्रॉब्लम आ रही है, एशिया में तो जमा ही ज्यादा ही है, अफ्रीका अफ्रीका में देखो कहीं है मरुस्थल है, यूरोप आंसर हो जीरो। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, कहीं जैसे मैंने किसों का कथन है जो सही है या सही नहीं है बताओ भाई है, ए सी डी ए तीनों सही है यानी तीसरा विकल्प है वो सही है, बी सही क्या हुआ नहीं क्योंकि वो बता रहा है कि नालागढ़ दून है वो सगड़ा दुनिया में सब उड़ रहा है गलत बात है, कहीं होती देहरादून जाएगी यानी तो लोग देहरादून जब है। अगलो देख लो अगलो का ही है 148 नंबर क्वेश्चन देख लो, 148 नंबर क्वेश्चन का क्या है, भारत में भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त करे, किसे करे भाई, इनमें विकल्प दो सही होती ए सी और डी यानी तमिलनाडु और कहीं है दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्व कर्नाटक, गुजरात के ऊपर नहीं, गुजरात के ऊपर भी उत्तर पूर्व के ऊपर नहीं क्योंकि गुजरात कटवा दी पश्चिम वाली पश्चिम मानसून प्राप्त करे। अगलो देखो कहीं उत्तर 149 नंबर क्वेश्चन देखो, सुमेरित नहीं है, सुमेरित किसों को नहीं, भीमताल उत्तराखंड में है बिल्कुल है, और पुल्लीकट कटे तमिलनाडु में, लोकत कटे मणिपुर में, तो रूपखंड कटे हिमाचल प्रदेश देवगढ़ गलत है कट दी रूपखंड उत्तराखंड में हो जैसे। अगलो क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन देख लो, 150 नंबर क्वेश्चन देख लो कहीं है 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुरू कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका रो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, कौन सा कोनी वो है मिडलैंड प्रदेश कोनी, मिडलैंड प्रदेश कोनी, तो ओ हाँ आरएसओ पेपर और आई रही आंसर की, इन आंसर की मैं इन मैंने टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड कर देशू, तो आप टेलीग्राम चैनल आंसर की देख लीजिए और इन्हें बाद में मैंने फिर कही है कि मारवाड़ी पढ़ाई चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए और मारवाड़ी पढ़ाई नाम टेलीग्राम चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों ने जोड़ दो, हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक आपके दोस्तों ने जोड़ दो क्योंकि कोशिश आई है कि टीम बात चल रही है, अब दो जना है दो टीचर है जगह नामी टीचर है वे कही है कि साथ में हो जाए और इन्हें बाद में मैंने पूरी एक प्रॉपर टीम लाई है और जितना भी अपने कंपटीशन रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है वे सब ने राजस्थानी भाषा मैंने आपने समय प्रस्तुत करा, हालांकि नोट्स आपने हिंदी में देवा पर आपने आपने समय जगह प्रस्तुत करा आपने बतावा वे राजस्थानी भाषा में बतावा, तो देखो हमारी पढ़ाई माते सीईटी एडीसी पुलिस वगैरह की आर एस सी सभी तैयारी करवा रही है, पटवा रही है, आप किरो किसो फार्म भरो आप सेंटर में आ सको, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहो तो ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सको, इसके अलावा अगर एप्लीकेशन में आप लेना चाहो तो ऐप भी ले सको, ऐप में आप देख लीजिए किसो कोर्स लेना है, मारवाड़ी पढ़ाई देखो यूट्यूब चैनल है फेसबुक है इसके अलावा इंस्टाग्राम है टेलीग्राम तो ही है और ट्विटर है आप बैठे हुए वाले फॉलो कर दो सा, इसके अलावा देखो मारवाड़ी पढ़ाई जो है वो यूट्यूब रहती है सब पहले राजस्थानी एजुकेशनल चैनल है जो को प्रतियोगी परीक्षा का टॉपिक एकदम आसान भाषा में समझावे अपनी भाषा में समझावे राजस्थानी में समझावे, तो बिल्कुल नहीं रटो मत समझो अपनी भाषा में, जल्दी मिला अगले वीडियो में मैंने मिला जल्द ही, धन्यवाद नमस्कार राम राम खम्मा गढ़ी।